हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग. वेलकम टू टारगेट जेके एग्ज़ाम्स. माय नेम इज़ महक तारिक. हमने सुपरवाइज़र कोर्स के लिए जो है अपना सिलेबस स्टार्ट किया था. तो आपको पता होगा कि यूनिट थर्ड हमने कंप्लीट कर लिया है और यूनिट फोर्थ जो है वो हम पढ़ रहे थे. इसमें आपके सारे सब यूनिट्स कंप्लीट हो गए हैं. अभी हम फोर्थ सब यूनिट को आज कवर कर रहे हैं, ठीक है. इसके साथ हमारा यूनिट फोर भी कम्प्लीट हो जाएगा. तो और यूनिट वन और यूनिट टू ऑलरेडी जो है ऐप पे भी कंप्लीटेड है और यूट्यूब पे भी उसके लेक्चर्स अपलोडेड है. इस तरीके से हमारा तकरीबन 60-70% हमारा स्पेशलाइजेशन का कोर्स जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है. चलिए देखते हैं. आज ये हमारा लास्ट टॉपिक है यूनिट फोर का. और अगर आपको इसके प्रीवियस लेक्चर चाहिए तो ये यूट्यूब पे सारे के सारे अवेलेबल हैं. आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं और आप हमारी जो है ऐप अवेल कर सकते हैं. और वहाँ पे सुपरवाइज़र का कोर्स अवेलेबल है जहाँ पे आपको PDF भी मिल जाएगी हर लेक्चर की. और आप महक 20 का कूपन यूज़ कर सकते हैं जिस पर आपको फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है. तो चलिए देखते हैं. आज का जो टॉपिक है वो है, इसमें तीन छोटे छोटे टॉपिक्स को क्लब किया गया है, दैट इज़ ट्रैफिकिंग, बेगरी एंड करप्शन, ठीक है. तो इन तीनों को एक ही सब यूनिट में क्लब किया गया है, तो इनको इसलिए हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और इम्पॉर्टेंट इस पे MCQs के आ सकते हैं, हम वो जानने की कोशिश करेंगे. और उसके अलावा कुछ टॉपिक आपका अगर इसमें मिस हो गया तो हमने आपको पहले भी बोला है कि हम MCQs सीरीज लेके आने वाले हैं. हमारा स्पेशलाइजेशन का कोर्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है. अब इसमें हमारे पास फिफ्थ सब यूनिट बचा है और सिक्स्थ के कुछ टॉपिक्स बचे हैं. तो जैसे ही ख़त्म हो जाता है उसके बाद हम MCQs सीरीज लेके आएंगे और उसमें कुछ भी चीज़ें जो आपकी छूटेंगी लेक्चर्स में वो हम MCQs के थ्रू कवर करवा लेंगे, ठीक है. चलिए देखते हैं ट्रैफिकिंग बेसिकली क्या होता है, ठीक है. देखिए ट्रैफिकिंग जो है वो एक बहुत ब्रॉड टर्म है, ठीक है. ट्रैफिकिंग के बारे में हम जितना भी जानते हैं पढ़ते हैं तो ट्रैफिकिंग एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट तरह की जो ये इसमें सिवियरिटीज़ आ जाती हैं. देखिए सबसे पहले हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग की यहाँ बात की गई है, ठीक है. ट्रैफिकिंग ऐसे जो वर्डली मीनिंग है वो यही है कि आप जब आप अनलॉफुली जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं किसी भी चीज़ का तो उसको हम ट्रैफिकिंग कहते हैं, ठीक है. लेकिन यहाँ ह्यूमन का ह्यूमन जो है वर्ड आ गया है तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है कि जब हम इंसानों को जो है बेचना खरीदना और उस तरीके से जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में एंगेज कर देते हैं उसे हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं, ठीक है. तो हम इसमें देखेंगे कि इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो क्या है. देखिए एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है कि अनलॉफुल एक्ट है ये, ठीक है. जितनी भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड की या फिर हमारे इंडिया के अंदर भी जो है पूरी तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग बैन है. ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या हो गया, जब हम ह्यूमन को यानी इंसानों को, उसमें बच्चे भी आते हैं, वुमेन भी आती है, तो ये जितने भी जो भी ये जो हमारी वल्नरेबल सेक्शंस हैं जब हम इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं और हम को मतलब कोरिजन का इस्तेमाल करके या फोर्स का इस्तेमाल करके किसी स्पेसिफिक काम सर्विस के लिए या फिर फोर्स लेबर का, तो इसको हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं, ठीक है. जैसे मैं आपको इसमें डिटेल में बताऊं तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है जैसे इसमें रिक्रूटमेंट करना, ठीक है. किसी को मतलब इसमें आप किसी इंसान को, बच्चों को, ठीक है, चिल्ड्रन हो गया या फिर वुमेन सेक्शन हो गया या फिर और भी जो 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 लोग हैं जो वल्नरेबल सोसाइटी की सेक्शंस होती हैं आप उनका रिक्रूटमेंट कर रहे हो, आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ठीक है. आप एक जगह से, फॉर एग्जांपल एक कंट्री से दूसरी कंट्री में या फिर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आप वुमेन एक एक जगह से लड़कियों को किडनैप करके दूसरी जगह पर बेचा जाता है तो इसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, ठीक है. अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, आप हार्बरिंग कर रहे हो, ठीक है. आप हार्बरिंग कर रहे हो मतलब आप फॉर एग्जांपल अभी वहाँ आपने या एक एक स्टेट से दूसरी स्टेट में किसी बच्चे को जो है किडनैप करके लाया गया तो उसको जिस जगह पे रखा गया वहाँ पे उसको हार्बरिंग किया जा रहा है, ठीक है. और यूज़ ऑफ फोर्स, तो ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन की डेफिनेशन है जिसमें ये सारी चीज़ें आती हैं. अगर कोई इंसान इन सारी चीज़ों, इन सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है तो वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहा है, ठीक है. तो वो उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही कहते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है, वो हार्बरिंग करने में हेल्प कर रहा है, वो रिक्रूटमेंट कर रहा है, वो फोर्स का यूज़ कर रहा है. तो इसमें आप जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी डेफिनेशन हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आती है, ठीक है. तो इसमें जो है आप देख सकते हैं कि इसमें ट्रेड ऑफ ह्यूमन बींग्स आता है, ठीक है. ट्रेड यानी आप इंसानों को खरीदते और बेचते हो, ठीक है.
उसके अलावा आप उन्हें इकोनॉमिकल, फिजिकल और सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हो। इसमें बॉन्डेड और फोर्स लेबर्स भी आती हैं, हम पढ़ेंगे कि बॉन्डेड और फोर्स लेबर क्या है, और इसमें इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ ऑर्गन्स भी आती है, ठीक है। लेकिन देखिए जैसे किडनी हमारा एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, लीवर है, तो हम जानते हैं कि इनकी जो है ट्रैफिकिंग होती है, ठीक है, इनको मतलब इलीगल मीन से बेचा और खरीदा जाता है, तो इलीगल ऑर्गन की ट्रैफिक करना भी जो है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर आता है। उसके अलावा इलीगल माइग्रेशन करना जैसे डोमेस्टिक हेल्प या बेगिंग के लिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल अंडर एज बच्चों को जो है डोमेस्टिक हेल्प के लिए या फिर इंडस्ट्रियल काम के लिए रखना और उनको किसी स्पेसिफिक एरिया से लेके आना, तो ये भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आता है, ठीक है। तो ये इसको हम कहा जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कि ये मॉडर्न डे स्लेवरी है। आजकल जो है स्लेवरी तो पूरी वर्ल्ड में ख़त्म कर दी गई है, लेकिन आज भी स्लेवरी के फॉर्म पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है प्रेजेंट है, ठीक है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग देखिए इसमें चार पाँच तरह की चीज़ें आती हैं। देखिए सबसे पहले इसमें आता है फोर्स्ड लेबर। देखिए फोर्स्ड लेबर क्या होता है कि कोई इंसान कोई पर्टिकुलर काम करना नहीं चाह रहा है, आप उसके लिए ऐसी कंडीशन बना रहे हैं कि वो उसको वो काम करना पड़ जाए, तो उसको हम फोर्स लेबर कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से एक है सेक्स ट्रैफिकिंग। सेक्स ट्रैफिकिंग भी जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आता है। सेक्स ट्रैफिकिंग जो है पर्टिकुलरली वुमेन सेक्शन की होती है, तो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल गांव से या विलेजेस से खासकर, या फिर जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं, या फिर जैसे नेपाल का सेक्स ट्रैफिकिंग होता है, बांग्लादेश से होता है, तो वहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा मतलब जो है इंडिया एज ए हार्बर का काम करता है, तो यहाँ पे क्या जाता है कि औरतों को लड़कियों को तो आप गांव से जो है कई बार किडनैप कर दिया जाता है, कुछ ऐसे शहरों से किडनैप करके उन्हें सेक्स ट्रैफिकिंग में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक पार्ट है, और ये सबसे ज़्यादा तो वुमेन सेक्स ट्रैफिकिंग ही जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में होती है, ठीक है। उसके अलावा चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग होती है, बच्चों को किडनैप करके लाया जाता है खासकर बेगरी के लिए, ठीक है, बेगिंग के लिए। तो बेगरी के लिए क्यों, क्योंकि आप तो अभी हम आगे बेगरी का एक पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। बेगरी का जो सिस्टम है ये पूरी तरीके से जो है ये अब ये एक तरह का जो है ये क्राइम बन चुका है। इसमें बच्चों को किडनैप करके लाया जाता है और उन्हें बेगिंग के लिए फोर्स किया जाता है, तो इसमें चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग भी इन्वॉल्व होती है। बॉन्डेड लेबर का मतलब ये है कि आप फॉर एग्जांपल किसी इंसान ने आपसे उधार लिया है, तो आप उससे कहेंगे कि इतने सालों तक तुम्हें यहाँ काम करना है, ठीक है, वो बॉन्डेड लेबर की फॉर्म में आ जाता है। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पार्ट है, ये आप नहीं कर सकते, ठीक है। उस तरह से ऑर्गन ट्रैफिकिंग भी मैंने आपको बता दिया, जैसे लीवर, किडनी, कुछ इस तरह के ऑर्गन्स होते हैं जिनका जो कहीं ना कहीं लीगल है, अगर लीगल मीन्स से इनको दिया जाता और लिया जाता है तो ये लीगल है, लेकिन कई बार कम प्राइजेज में या मतलब गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट करके ऑर्गन ट्रैफिकिंग की जाती है। तो ये जो चारों पांचों चीज़ें हैं ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आती हैं, आपको याद रखना है। फोर्स लेबर, बॉन्डेड लेबर, सेक्स ट्रैफिकिंग, चाइल्ड बच्चों का जहाँ पे सेक्स ट्रैफिकिंग होता है, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आती हैं। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसका सिंपल सा डेफिनेशन। जब हम ह्यूमंस का लेन देन करते हैं, बाय और सेल करते हैं, तो ये पूरी तरह से अनलॉफुल है। किसी भी कंट्री में, इंडिया में या वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं, वहाँ पे ये बैन कर दिया गया है। आप इंसानों को खरीद और बेच नहीं सकते, और उसमें ये कुछ पर्टिकुलर टाइप्स जो मैंने आपको करवाई हैं ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आती हैं, ठीक है। इसे मॉडर्न डे स्लेवरी भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं कि इसमें मैंने आपको ये भी बता दिया। देखिए आपको हो सकता है डेफिनेशन जो है इस तरीके से आए कि आपको ये याद रखना है कि ये सब, अब अगर कोई इंसान रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है, या हार्बरिंग में इन्वॉल्व है, तो ये कोई भी इंसान किसी भी लेवल पे इन्वॉल्व है तो वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होगा और उसको उसी तरह की सज़ा भी मिलेगी। तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर रिक्रूटमेंट भी आता है, ट्रांसपोर्टेशन भी आता है, हार्बरिंग भी आता है, तो इस तरीके से ये सब चीज़ें इसमें कवर होती हैं, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं कि कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ राइट्स दिए गए हैं इंसानों को, ठीक है। हम इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं ह्यूमन राइट्स वाले टॉपिक पे, उसमें हमने फंडामेंटल राइट्स को भी कवर किया था, तो आपको उसमें उतना डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यूनिट थर्ड का लेक्चर जाके देख सकते हैं, तो आपको आराम से वो टॉपिक मैं अभी जो पढ़ रही हूँ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें कुछ इंसानों को कुछ बेसिक राइट्स दिए गए हैं, उसमें तो आप सब जानते हैं कि बेसिक राइट तो यही होगा, राइट ऑफ जो सेल्फ डिग्निटी का जो हमारे पास राइट दिया गया है उसमें यह है कि हर
हर इंसान को राइट टू लाइफ है, जीने का हक है और इज्जत से डिग्निटी से जीने का हक है, उसमें कोई किसी को बेच या खरीद नहीं सकता। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका मतलब ये है। तो इसमें अगर फंडामेंटल राइट्स में हम स्पेसिफिकली बात करें तो हम जानते हैं आर्टिकल 23 क्लॉज 4। आर्टिकल 23 को अगेन हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं पिछले यूनिट्स में। आर्टिकल 23 जो है वो बिल्कुल प्रोहिबिट करता है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स और फोर्स लेबर को। ठीक है, सामने सामने जो फंडामेंटल राइट है, जितने भी सिटीजन है इंडिया के, उनको राइट दिया गया है कि अगर आपको कोई ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व कर रहा है तो वो आपका फंडामेंटल राइट को अब्रिज कर रहा है। ठीक है, तो आप उसमें कोर्ट में जा सकते हैं, उनको उतनी सजा मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो है आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई एक आर्टिकल याद करने के लिए रखा जाए तो वो आर्टिकल 21 ही है। देखिए आर्टिकल 21 क्या है, दैट इज़ राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ क्या हो गया कि आपको जीने का पूरा हक है, आपको ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीने का हक है। ठीक है, आपको इज्जत से रिस्पेक्ट के साथ जीने का हक है, तो इसमें आपको कोई बेच और खरीद नहीं सकता किसी भी लड़की को, किसी भी बच्चे को या किसी भी मेल को। आप सोसाइटी में वल्नरेबल सेक्शंस को आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जो है कानून की नज़र में गुनाहगार होंगे और आपको एक सज़ा के मुताबिक एक सज़ा दी जाएगी। ठीक है, तो राइट टू लाइफ का मतलब यही है और आर्टिकल 21 जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ जाता है। ठीक है, तो बेसिक और भी बाकी जो राइट्स हैं वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी बहुत से राइट्स हैं जो ट्रैफिकिंग एज ए ह्यूमन और बच्चों के जो वुमेन सेक्शन की राइट्स को प्रिजर्व करते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जहाँ पे साफ तरीके से मेंशन है दैट इज़ आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 21। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे हम देखते हैं कि NCRB का डाटा है। NCRB क्या है, दैट इज़ नेशनल क्राइम ब्यूरो। ठीक है, रिपोर्ट ब्यूरो। तो ये बेसिकली इंडिया के अंदर क्राइम को मॉनिटर करता है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर जब ये क्राइम को मॉनिटर करता है तो 2022 में इनका ये एक डाटा आया हुआ है। तो इन्होंने बोला है कि तकरीबन ये आपको ऐसे याद नहीं, मतलब ऐसा कुछ डाटा आएगा नहीं, बट आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा इस टॉपिक के बारे में कि ये कितना बड़ा क्राइम है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंडिया में कितना बड़ा जो है हैजार्ड बन चुका है। तो ये कहते हैं कि कम अज़ कम 6,533 विक्टम्स हैं जो हर साल जो है ये इसका शिकार होते हैं, और उनमें से आप देखिए कि 60% जो है वो वुमेन है, 60% जो है फीमेल जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होती है। ठीक है, तो यानी ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर जो है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया से जो है वो मतलब यहाँ पे जो है बहुत बेचा भी जाता है, लाया भी जाता है, हार्बर भी है इंडिया। जैसे मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश और नेपाल और इन कंट्रीज से हार्बरिंग होती है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंडिया के अंदर इस वक्त एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है बन चुकी हुई है। ठीक है, इनको रोकना, और इसके लिए जो है गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट्स बनाए हैं, बहुत सारी NGOs इसमें काम कर रही हैं, तो वो हम आगे देखेंगे कि ये किस तरीके से इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एज सच एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि IPC के आपके ये दो सेक्शंस आपको याद रखनी है, ये आपके लिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों सेक्शंस, इनफैक्ट चारों सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद रखनी है। देखिए IPC क्या है, दैट इज़ इंडियन पैनल कोड, जो हमारा 1861 में आया था, और ये इंपॉर्टेंट कोड है जिसमें लॉज जो है फ्रेम किए गए। ठीक है, और ये ब्रिटिशर्स के टाइम पर आया, तो उसी टाइम ब्रिटिशर्स के टाइम पर ही ये बोला गया कि सेक्शन 370 और 370A, ठीक है, उस टाइम बोला गया कि 370 और 370A जो है ये डील करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ, आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। ठीक है, ये ब्रिटिशर्स के टाइम पर ही ये जो है ये इस तरह का लॉ जो है लाया गया था। ठीक है, और बैन कर दिया गया था ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, और उसी तरीके से जो है हम देखते हैं कि आर्टिकल 372 और 373 में खासकर प्रोस्टिट्यूशन जो है ना, मतलब प्रोस्टिट्यूशन हो गया, जिसमें प्रोस्टिट्यूशन होता है बेसिकली सेलिंग एंड बाइंग ऑफ वुमेन। ठीक है, गर्ल्स को जहाँ बेचा खरीदा जाता है औरतों को सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए। ठीक है, सेक्सुअल जिसे कोठा कहते हैं या उस तरीके की टर्म्स यूज़ होती हैं, जिसे बहुत एक डार्क एक वो है, लड़कियों को लाया जाता है, वहाँ रखा जाता है, बेचा जाता है, उनकी मर्ज़ी के खिलाफ उनसे सेक्सुअल क्राइम करवाए जाते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं यहाँ पर बैन कर दी गई एज़ पर सेक्शन 372 और 373। ठीक है, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो सेक्शन 370 और 370A जो है ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो उसके अलावा जो है एक सेक्शन जो एक और इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ सेक्शन 366A। ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर जो
है 366A और 372 इनके अंदर जो है आईपीसी की, इसके अंदर जो है किडनैपिंग को ना, किडनैपिंग को जो है यहाँ पे क्राइम करार दिया गया, किडनैपिंग हो गया, ठीक है, मतलब माइनर्स को सेल करना प्रोस्टिट्यूशन के लिए, ट्रैफिकिंग के लिए, तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को, और कम अज़ कम इनकी सज़ा जो है ना कम अज़ कम 10 साल रखी गई है, ठीक है, तो आईपीसी में, तो आईपीसी में ये जो सेक्शंस हैं आपको याद रखनी है कि ये इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट और क्या है। देखिए इसमें कहते हैं कि अब कुछ जो है इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ जो है हमने स्टेप्स लिए गए हैं जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे ट्रैफिकिंग को रोकने की बात की गई है, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है, ट्रांसनेशनल हो गया कि जो कंट्री टू कंट्री आपस में जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है वहाँ पे कन्वेंशन साइन की गई यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ठीक है, और जो कंट्रीज इस कन्वेंशन को सिग्नेटरी हैं, जो साइन करती हैं, उनके लिए इसके लॉज और इसके नॉर्म्स को एप्लीकेबल करना जो है वो मस्ट हो जाता है, ठीक है। उस तरीके से नेशनल लेवल पे भी नेशनल यूनाइटेड नेशन ने कन्वेंशन साइन की ट्रांसनेशनल क्राइम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स की, उसमें ट्रैफिकिंग को बैन कर दिया गया, ठीक है, इसमें यहाँ पे ट्रैफिकिंग को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं सार की भी कन्वेंशन है ट्रैफिकिंग पे। सार क्या है? सार तो आप जानते हैं कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये आपको पता होगा, साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया भी इसका इंपॉर्टेंट कंट्री है जिसमें पार्टिसिपेट करता है, तो साउथ एशिया के अंदर जो कंट्रीज हैं उनकी एसोसिएशन है, ठीक है, रीजनल कॉपरेशन, तो यहाँ पे इन्होंने भी कन्वेंशन साइन की है ट्रैफिकिंग पे, ठीक है। उस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट है दैट इज सीडो, आप सीडो तो जानते हैं, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, ये वुमेन के अगेंस्ट जितनी भी जो डिस्क्रिमिनेशन है उस पर कन्वेंशन हुई थी, ये अगेन हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, मैं आपको यहाँ पे उतनी डिटेल नहीं दूंगी, तो इसको इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स फॉर वुमेन भी कहा जाता है, ये वुमेन को लेके, वुमेन के जितने भी इशूज़ हैं उनको लेके ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है कन्वेंशन हुआ था, और ये 1979 में अडॉप्ट हुआ है, इंडिया ने इसको 1993 में, और इसके अंदर जो है प्रोस्टिट्यूशन जैसी चीज़ें, ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन हो गया कि बिना मर्जी के आप जो है लड़कियों को आप सेक्स ट्रेड में या फिर वहाँ सेक्सुअल क्राइम्स में वहाँ पे आप धकेल देते हो, तो ये पूरा का पूरा उसको प्रोस्टिट्यूशन कहते हैं। उस तरह से जितनी भी ये जो वुमेन की डिस्क्रिमिनेशन होती है, ट्रैफिकिंग होती है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं लड़कियों की एक जगह से दूसरी जगह, हार्बरिंग करते हैं, जितनी भी चीज़ें ये इसमें वुमेन ट्रैफिकिंग में आती है, ठीक है, तो सॉडा के अंदर इसको बैन कर दिया गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे देखिए नेशनल लेवल पर जो हमने स्टेप्स लिए, ठीक है, ये तो इंटरनेशनल हो गया, देखिए नेशनल लेवल पे यानी इंडिया के अंदर मैंने आपको बताया कि ये बहुत ग्रीव प्रॉब्लम है, तो जितनी भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और 60% तो होती वुमेन के अगेंस्ट है, तो इंडिया के अंदर इसको रोकने के लिए ना हम डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट लॉज लॉन्च किए हैं, ठीक है, डिफरेंट लॉज लॉन्च किए हैं, उनमें से जैसे हम देखते हैं कि एक पहला लॉ जो है जिसको 1956 में आता है, दैट इज सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स, ठीक है, जिसको मैं सीता 1956 एक्ट भी कहते हैं, तो ये बिल्कुल आप नाम से देख सकते हैं कि सप्रेशन करना, इमोरल ट्रैफिकिंग जो हो रही है लड़कियों के लिए या औरतों के लिए, उसको रोकने की बात की गई थी, ठीक है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल मेंशन किया हुआ है कि किस तरीके से या 1956 में हमने पहली बार ये लॉ लाया है, और इसमें बिल्कुल साफ तरीके से ट्रैफिकिंग जो है गर्ल्स की यहाँ पे मना कर दी गई, ठीक है। तो उसमें उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट होती है, तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट जो है ना जो आपके एग्जाम में आ सकता है ट्रैफिकिंग के रिलेटेड, वो यही है, दैट इज़ इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, पीटा भी इसे कहा जाता है 1986 में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एक्ट है, आपको याद रखना है, जो ट्रैफिकिंग के साथ इंडिया में डील करता है, दैट इज़ इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, तो इमोरल ट्रैफिकिंग जो होती है उसको रोकने के लिए जो एक्ट लाया गया वो 1986 में लाया गया, ठीक है गाइस। तो 1986 में हमने उसी का जो सीता एक्ट था उसी को हमने जो है थोड़ा सा मतलब उसके अंदर चेंजेस लाए, अमेंडमेंट लाए, तो उसको चेंज करके हमने इसको लॉन्च किया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और भी कुछ एक्ट्स हैं जो आप बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ डील करते हैं। इसके अंदर बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन एक्ट 1976, बॉन्डेड लेबर मैं आपको बता चुकी हूँ, बॉन्डेड लेबर होता है कि ज़बरदस्ती किसी से किसी तरह काम करवाना, ठीक है, या उसको बॉन्ड करके रखना, किसी एग्रीमेंट में आप किसी इंसान को लेके आ गए हो कि आपको मेरे साथ आपको इतने साल काम करना ही करना है, एक तरह की स्लेवरी है, ठीक है। तो बॉन्डेड लेबर जो है ये मतलब इसमें सेक्सुअल तरह का ब्रॉथल्स वगैरह एक्सप्लॉइट करना किसी को या उस तरीके से वो करना, तो ये सब चीज़ें जो है बॉन्डेड लेबर में आती हैं, तो बॉन्डेड लेबर को जो है पूरी तरह से एबॉलिश करने की बात की गई 1976 में, ठीक है। उसके अलावा चाइल्ड लेबर एक्ट तो
आप जानते हैं चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 में आता है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड लेबर, तो इसके अंदर भी बात की गई कि बच्चों की चाइल्ड लेबर को ख़त्म करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो चाइल्ड लेबर है, मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें जो है ये बहुत चीप होती है, बच्चों से काम कराना थोड़ा सा चीप होता है क्योंकि ये कम इन पैसा लेते हैं, ठीक है, या आपसे सैलरी या वेजेस कम लेते हैं। तो बच्चों को जो है खासकर मतलब जैसे गांव, खासकर गांव से शहरों में या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बच्चों को किडनैप किया जाता है, किडनैपिंग की जाती है, उसके बाद उनको जो है इंडस्ट्रियल कामों में, हम बहुत सारी मूवीज़ में हम देखते हैं कि ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है, उसके बाद बैगिंग जैसी चीज़ों में उनको डाल दिया जाता है, तो ज़बरदस्ती ये सब किया जाता है। तो उसके लिए चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 आता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है 2015 में जो अमेंडेड एक्ट है ये आता है, ये भी बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए था, ठीक है। उसके अलावा प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है वो भी 2006 में बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए आता है। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स, ठीक है, ये बिल्कुल मना कर दिया गया जो गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट तरीके से जो काम करेगा 1994 में, ठीक है। ट्रांसप्लांटेशन ह्यूमन ऑर्गन्स का पूरी तरह से मना नहीं है, उसका एक प्रोसीजर है, तो अगर आप उस प्रोसीजर के साथ नहीं चलते तो आपको जो है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन एक्ट ऑर्गन जो है वो बिल्कुल इंडिया के अंदर बैन है, आप ऐसे जो है बिना प्रोसीजर के आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा आप देखते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट फॉर ये जो पॉक्सो एक्ट है 2012 का, ये भी हमने डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। तो ये सब तो हो गया कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हम क्या कर रहे हैं। देखिए उसके अलावा बहुत सारी एनजीओज काम कर रही हैं, हम बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट आजकल देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखती हैं जहाँ एनजीओज जो हैं काम करती हैं, जो ये सेक्सुअल ट्रेड है, खासकर जो औरतों में जो सबसे कॉमन चीज़ है वो सेक्सुअल ट्रेड की है, तो उसको रोकने के लिए ब्रॉथल्स में अंडर एज लड़कियों को लाया जा रहा है, तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए जो है बहुत हद तक जो है ये काम हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि जो आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है, दैट इज़ ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे जो है ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है ये तय कर दिया गया, ठीक है, ऑब्जर्व, और ये दिन कौन सा रखा गया, दैट इज़ 30 जुलाई को रखा गया कि हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे बनाएंगे, यहाँ पर लोगों को याद दिलाएंगे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है गलत है, और जनरल असेंबली के द्वारा ये डे जो है डिजिग्नेट कर दिया गया पूरी वर्ल्ड में जो है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग एज ए क्राइम को मतलब लोगों के अंदर जागरण लाने के लिए, ठीक है। तो उसके अलावा मतलब यहाँ पे इंडिया के अंदर भी हम ह्यूमन राइट डे जो है ये बनाते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा आप जो जानते हैं कि इंडिया में ना हमने नेशनल जो ह्यूमन राइट कमीशन जो है, ह्यूमन राइट कमीशन जो है काम कर रही है, और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो बनी ही ह्यूमन राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए है, और उसका मेन मकसद जो है वो यही है कि मतलब ये क्या करती है, किडनैपिंग जैसे केसेस पे बच्चों की या औरतों के लिए जो गलत चीज़ें हो रही हैं, इलीगल जो प्रोसिक्यूशन है, तो ये सारी चीज़ें जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर जो है ये इसके काम ही इसी चीज़ के लिए करती है। तो इंडिया में इस तरह की चीज़ें हैं, आईपीसी की मैंने आपको सेक्शंस बताई हैं, आईटीपीए एक्ट है, तो इस तरह से इंडिया के अंदर इसको रोकने के लिए मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है। अच्छा, एनसीआरबी का आप एक और चीज़ याद रखिए कि एनसीआरबी के द्वारा, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ये क्राइम को मेजर करके रखता है, रिकॉर्ड करके रखता है। इसके अलावा बोला गया कि वेस्ट बंगाल में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बहुत बड़ा हब है, वेस्ट बंगाल के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होती है, उसके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश साउथ में भी होती है, और दिल्ली के अंदर, दिल्ली एक ट्रांजिट पॉइंट का काम करता है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल आप नॉर्थ में याद रखिए, और साउथ में भी जो है बहुत, अब बंगाल में क्यों, क्योंकि ये बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ और नेपाल, और यहाँ से जो है ट्रैफिकिंग बहुत आसानी से होती है, ठीक है। तो चलिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये आपको क्लियर हो गया होगा, आपको इसमें डेफिनेशन पर थोड़ा सा ध्यान देना है, और आपको उसके अलावा जो है थोड़ा सा ध्यान देना है किस पे, एक्ट्स पे, ठीक है। चलिए, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है बेगरी का। बेगरी का आप सब जानते हैं, बेगरी किसे कहते हैं, बेगरी कहते हैं कि भीख, जिसे हम नॉर्मल टाइम पे कहते हैं कि भीख मांग रहे हैं कुछ लोग ना, भीख मांगना या वैसे करना, तो बेसिकली इसको हम कहते हैं पैन हैंडलिंग, ठीक है। इसको हम पैन हैंडलिंग भी कहते हैं या मेंडिकेंसी भी कहते हैं, ठीक है, मेंडिकेंसी भी इसको कहा जाता है। तो बेसिकली बेगरी होता है कि आप किसी से पैसे ले रहे हैं, ठीक है, पैसे ले रहे हैं लेकिन आप उसको कुछ दे नहीं रहे, यू आर नॉट गिविंग, यू आर नॉट प्रोवाइडिंग वर्क, यू आर नॉट प्रोवाइडिंग सर्विसेज, तो आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कोई इंसान आपको जो है अपना वो पैसे
से दे रहा है, ठीक है, उसको आर्म्स कहते हैं, या किसी और तरीके से, यानी कोई चीज़ दे रहा है खाने के लिए, या वो उस तरह से जो जो भी चीज़ें हैं, तो इसको हम बेगरी के अंदर इंक्लूड करते हैं, जहाँ पे अब रेसिप्रोकेशन नहीं है, ठीक है, नो एक्सपेक्टेशन ऑफ रेसिप्रोकेशन। रेसिप्रोकेशन हो गया यानी अगर आपने बेगर को 20 रुपये दिए हैं तो वो आपको बदले में कुछ नहीं देगा, वो आपको बदले में कोई काम नहीं करेगा, ठीक है, तो इसको हम बेगर कहते हैं, या पैन हैंडलर या मेंडिकेंट भी कहते हैं, तो इसको मेंडिकेंसी भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है। तो बेगरी सिंपल डेफिनेशन है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको याद नहीं रखना। बेगर्स जो होते हैं स्ट्रीट्स में, हमें अर्बन पार्क्स में हर जगह देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब बेगिंग की जो हिस्ट्री, आप एक बार याद रखिए कि बेगिंग जो है वो, चलो ये तो अच्छा काम था ना बेगिंग का, तो बेगिंग जो है क्राइम कैसे बन गया, देखिए हमारे जो रिलीजन है ना, जितने भी इंडियन रिलीजन है, चाहे वो हिंदुज़म का हो, मुस्लिम्स का हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, उसमें जैसे मुस्लिम्स के अंदर ना ज़कात दी जाती है, ज़कात हो गया कि जो सालाना मतलब ईयरली क्या किया जाता है, कुछ पैसे जो हैं वो गरीब पुअर लोगों के लिए रखे जाते हैं, जो जो मांगते हैं, ठीक है, तो उनके लिए रखे। वैसे ही हिंदूज़ में जो हम देखते हैं भिक्षा दी जाती है गरीब लोगों को या साधुज़ को, तो भिक्षा बहुत कॉमन है इंडिया, तो इंडिया के अंदर जो है ये एक कॉमन चीज़ है, ये इसको एक अच्छी चीज़ माना गया। बेगिंग को अच्छी चीज़ नहीं माना गया, लेकिन जो लोगों की हेल्प करना, गरीबों की हेल्प करना, जो अमीर लोग हैं वो ज़कात के थ्रू या भिक्षा के थ्रू जो है वो, जो लोग पुअर हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो उनकी हेल्प करते थे, ठीक है, और वो फिर घर घर जो है ये लोग आते थे, ये मांगते थे, और इनको जो है जो जो लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, जो रिच थे, वो एज ए फॉर्म ऑफ ज़कात, भिक्षा और समथिंग एल्स जो है, ये रिलीजियस बेगिंग जो है विद टाइम बन गया, ठीक है, इंडिया के अंदर। तो इसको बहुत चैरिटी, क्रिश्चियंस में इसको चैरिटी कहते हैं, मुस्लिम्स में ज़कात कहते हैं, तो ये नॉर्मल था, ठीक है। लेकिन देखिए विद टाइम क्या होने लगा कि मतलब हम देखते हैं कि बुद्धिज़्म में भी हम देखते हैं कि इसको, गौतम बुद्ध खुद जो है वो घर घर जाके जो है एलम्स मांगते थे, और इसको अच्छा माना जाता था, इसको जो लोगों की हेल्प करना, मतलब ये एक अच्छी बात है कि जो जो रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो पुअर सेक्शन की हेल्प कर रही है, ठीक है। लेकिन विद टाइम देखा गया कि ये जो बैगिंग है ये क्राइम बनता गया। क्राइम कैसे बनता गया कि देखिए ज़्यादातर पैसे आप किनको देते हो, बच्चों को देते हो, ठीक है, ज़्यादातर पैसे आप किनको देते हो, या जो जो डिसेबल लोग होते हैं, ठीक है, आप उनको देखते हो और उनको दे देते हो, वुमेन को आप पैसा ज़्यादा देते हो। तो धीरे धीरे देखा गया कि इन 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 लोगों की ना ट्रैफिकिंग होना शुरू हो गई, बच्चों को जो है ज़बरदस्ती इस काम में। अब घर के अंदर कोई लोग जो ऐसे हैं, एक 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 एजेंट होता है, वो जो गरीब बच्चे 10 से 20 बच्चों को जो है बेगरी में लगा देता है, और उनसे जितना भी पैसा आता है वो शाम को कलेक्ट करता है, और उनको डेली बेसिस पे बहुत कम पैसे देता है, और बाकी वो कलेक्ट कर लेता है, तो उससे अमीर एजेंट हो रहा है वो बच्चे नहीं। तो हम देखते हैं कि बाई फोर्स जो है बेगिंग करवाई जाने लगी, ठीक है, तो यह अनलॉफुल एक्टिविटी धीरे धीरे बनती गई, ठीक है। तो धीरे धीरे फिर एक ऐसा टाइम आ गया कि जब बेगिंग को जो है बहुत एज ए क्राइम देखा जाने लगा, क्योंकि ये क्राइम जो है बन गया था, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि 1959 या ना आफ्टर जो हमारी आफ्टर इंडिपेंडेंस 1959-1956 में बॉम्बे के अंदर, ठीक है, बॉम्बे के अंदर, दिल्ली के अंदर, ये जो सिटीज़ थी ना, मेन सिटीज़ थी, यहाँ पे बेगरी को जो है बैन कर दिया गया, ठीक है। अब बैन करने की वजह क्या थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक तो फोर्स का इस्तेमाल होने लग गया था, ठीक है, बाई फोर्स लोगों को यहाँ पे धकेला जा रहा था, औरतों को ज़बरदस्ती किया जा रहा था कि आप बेगिंग करके आओ, क्योंकि आसान तरीका है पैसे कमाने का, ठीक है, और ये बच्चों को इसमें धकेला जा रहा था, इसके अंदर ट्रैफिकिंग हो रही थी औरतों की, बच्चों की, या डिसेबल लोगों को जो है फोर्स का इस्तेमाल करके उनसे पैसे छीने जा रहे थे। तो ये पूरा का पूरा एक एजेंसीज बनना शुरू होगी, पूरा का पूरा वेब बन गया, ठीक है। तो इसलिए कुछ स्टेट्स के अंदर जैसे बॉम्बे और दिल्ली के अंदर हम देखते हैं कि जो है बेगरी को पूरी तरह से बैन कर दिया गया, और ये बोला गया कि कोई भी आदमी हमको स्ट्रीट पे इस तरह पैसे मांगते हुए नहीं देखना चाहिए, ठीक है, और अलग से जो है बेगर कोर्ट्स को अपॉइंट किया गया। बेगर कोर्ट्स हैं बॉम्बे और दिल्ली के अंदर, जहाँ पे जो अगर कोई बेगिंग करता हुआ मिलता था तो उनको सीधा जेल में डाल दिया जाता था, और बेगर कोर्ट्स में जाके उनकी सुनवाई होती थी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि फिर उसके बाद बेगर कोर्ट्स बनाई गई, उसके अलावा जो है बेगर कोर्ट्स, अगर कोई बेगिंग करते हुए मिल गया तो उनको बेगर होम्स में डाला जाता था, ठीक है, बेगर होम्स हो गया, उनके लिए स्पेशल एक बनाए जाते थे चैम्बर्स, घर इस तरह के छोटे छोटे वो बनाए जाते थे, जिन्हें हम सेवा कुतिर भी कहते हैं, ठीक है, सेवा कुतिर कहा जाता था। तो वहाँ पर इनको रखा जाता था और इनको रिहेबिलेशन जैसी फैसिलिटीज़ दी जाती थी, लेकिन बिल्कुल सिटीज़ में जो है ये बैन, बॉम्बे और दिल्ली में जो है ये पूरी तरह से बैन था। उस तरह से बहुत सारी
स्टेट्स ने धीरे धीरे जो है बैगिंग को बैन करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये इसमें देखिए इसमें क्या होने लगा कि बैगिंग बैन कर, आगे हम इसमें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि बॉम्बे के अंदर इस तरह का कौन सा एक्ट आया और क्या कैसे आया। तो लेकिन हम देखते हैं कि बैगिंग जो है वो जब बैन कर दी गई तो ये कुछ फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। ठीक है, जब ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट तक गया और कुछ लोगों ने बोला कि आप बैगिंग किस तरह से बंद कर सकते हैं, तो वहाँ पर ये फंडामेंटल राइट्स के कुछ खिलाफ है। और ये कैसे है मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, जैसे आर्टिकल 41 के अंदर जो है, 41 आप जानते हैं DPSP है, DPSP मैं आपको बता चुकी हूँ, दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, आर्टिकल 41 के अंदर कहा गया कि स्टेट का फर्ज है कि वो वेलफेयर मेजर्स बनाए, किसके लिए, प्रमोशन ऑफ पुअर के लिए। ठीक है, स्टेट का काम क्या है कि वो एक वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट यानी जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए आप स्कूलिंग फ्री करो या वो करो। तो बैगिंग को रोकने के लिए ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 41 को डाला गया एज अ DPSP। ठीक है, उसके अलावा हम देखते हैं कि आर्टिकल 23 में बोला गया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है पूरी तरह से बैन है। हम पढ़ चुके हैं अगर आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं, फोर्स लेबर में, बॉन्डेड लेबर में, जो कि बैगरी में होता भी है, तो यहाँ पे जो है इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, उसके अलावा सेक्शन 363 जो है IPC की, इसके अंदर बोला गया है कि जो मैलमिंग इंडिविजुअल्स फॉर बैगिंग एंड ऑफेंस, ठीक है, तो इसको ऑफेंस माना गया। ठीक है, तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो बैगिंग के साथ डील करते हैं। और आर्टिकल 21 भी कुछ हद तक ना, आर्टिकल 21 मैंने आपको बताया कि राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ में लिविंग विद डिग्निटी की बात करते हैं। तो उसमें अगर आप बैगिंग जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं तो फिर आपकी डिग्निटी कहीं ना कहीं जो है इफेक्ट होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बैगरी जो है इंडिया में एक डिबेट अभी भी चल रही है, चलती आती है। कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि बैगरी बैन हो जानी चाहिए पूरी तरह से, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, बैगरी आप बैन नहीं कर सकते बिकॉज ये हमारे रिलीजन्स के थ्रू और हमारे कल्चर में है और हमें गरीबों की हेल्प इसी तरह से करनी है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो है ना बैगरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया में अगर हम डाटा देखें 2011 का जो हमारा सेंसस हुआ था उसके अंदर जो है हमें 4-4.5 लाख जो है बैगर्स देखने को मिलते हैं। और ये जो है अभी 2011 का, यानी आज से 12-13 साल पुराना एक रफ सा सेंसस के थ्रू दिया गया है। तो इसमें बहुत इंडिया के अंदर बैगिंग जो है, इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंट्री इन ना पोवर्टी एंड बैगरी। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है कि तकरीबन 78 मिलियन लोग जो है इंडिया के अंदर वो होमलेस हैं। ठीक है, उनको घर है ही नहीं है। ठीक है, तो वो होमलेस है। ठीक है, उसमें कम से कम 11 मिलियन तो खाली बच्चे हैं। ठीक है, 11 मिलियन उसमें बच्चे हैं और ये होमलेस लोग हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, उस तरीके से इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो है हमें जो बैगरी है आप देख सकते हैं हमें वेस्ट बंगाल में। मैंने आपको पहले भी बताया कि ट्रैफिकिंग भी जो हब वेस्ट बंगाल है और बैगरी का भी जो है हब वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में हमें बहुत ज़्यादा बैगरी देखने को मिलती है, उसके बाद UP और बिहार। ठीक है, अब बैगरी वेस्ट बंगाल में क्यों देखने को मिलती है, मैंने आपको बताया कि वहाँ बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, वेस्ट बंगाल बॉर्डर है म्यांमार, नेपाल और ऐसी कंट्री, और यहाँ पर वेस्ट बंगाल है तो ये हब बन जाता है फिर। ठीक है, यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल के अंदर तकरीबन कहा जाता है कि जो है ये कम से कम 80,000 जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर ही हमें बैगर्स देखने को मिलते हैं। तो बैगिंग का बहुत बड़ा वहाँ पे, और क्राइम भी बढ़ता है क्योंकि जब इन बैगर्स को पैसा नहीं मिलता तो फिर ये क्राइम में इन्वॉल्व जाते हैं, किडनेपिंग जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, और इसको जो है अब आगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए लॉ है जो आपको इसमें पढ़ना है, दैट इज़ बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बैगरी। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ बैगिंग है 90। मैंने आपको बताया कि कुछ स्टेट्स के अंदर, जैसे बॉम्बे के अंदर, जैसे दिल्ली के अंदर, मीनवाइल और भी बहुत सारी स्टेट्स थी जहाँ पे विद टाइम देखा गया कि हमें बैगरी को बैन करना पड़ेगा। और 1959 में फाइनली जो है बॉम्बे के अंदर बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बैगिंग एक्ट आता है जिससे पूरी तरह से बैगिंग को क्रिमिनलाइज कर दिया गया। ठीक है, क्रिमिनलाइज मतलब है कि अगर कोई इंसान वहाँ पे बैगिंग करता हुआ मिल गया तो उसको जो है उसको जेल हो जाती थी। ठीक है, अगर इसका जो पहला प्रोविजन यही डाला गया कि बैगिंग एक बहुत बड़ा क्राइम है। ठीक है, तो इसमें जो है इसमें हम देखते हैं कि कुछ फीचर्स हैं जो आपको इसमें याद रखने हैं, जो आपको पूछ सकते हैं। सबसे पहले अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है, अगर कोई इंसान हमें बैगिंग करते हुए, अगर आपको उस टाइम 1959-1960 के बाद अगर बॉम्बे की सड़कों पर कोई बैगिंग करते हुए मिल जाता था तो उसको बिना वारंट के अरेस्ट करने का जो है पुलिस के पास राइट होता था। ठीक है, उसको आराम से अरेस्ट कर सकता था बिना वारंट के। ठीक है, उसके अलावा जो है उन्हें 3-10 साल की सजा जो है हो सकती है। इसमें बहुत सारे जो है इसमें
इसमें बहुत सारे जो, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट इंस्टांस पे कोई बंदा आपको पकड़ा गया तो उसको 3 साल की सज़ा होगी, लेकिन अगर सेकंड इंस्टांस में फिर से आपने उसको बेगिंग, जो मैंने आपको बताया बेगिंग होम्स होते थे मतलब, तो वहाँ पे अगर आपको रिहेबिलिटेशन होम्स जो थे वहाँ पे डाला गया 6 महीने के लिए, साल के लिए, आप फिर से आए और आप दूसरी बार फिर से बेगिंग करते हुए मिल गए, तो आपको मैक्सिमम सज़ा जो है वो 10 साल तक भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम देखते हैं कि इस एक्ट के बहुत स्ट्रॉन्ग एक्ट था ये जो बेगिंग के खिलाफ था, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि डिटेंशन सेंटर्स बनाए गए, जैसे मैंने आपको बताया डिटेंशन सेंटर्स या रिहेबिलिटेशन सेंटर्स या जिनको हम बेगिंग होम्स भी कहते हैं, ठीक है। बेगिंग होम्स बनाए गए, बेगिंग होम्स क्या थे कि यहाँ पे इनको रखा जाता था, अगर बेगर्स मिल गए हैं उनको अरेस्ट किया जाता था, बेगरी कोर्ट्स बनाई जाती थी, तो बेगरी कोर्ट्स उस टाइम थी और अभी भी वहाँ पे हैं, बेगरी कोर्ट्स हैं, तो ये बेगरी कोर्ट्स जो हैं ये फैसला सुनाती थी और कुछ टाइम के लिए बेगर्स को यहाँ पे डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाता था, और बेगिंग को जो है ये एक पूरा रैकेट था, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम माना जाता था, ठीक है। तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे यहाँ मुंबई में ये काम हो रहा था, लेकिन विद टाइम जो है हम देखते हैं कि कुछ एनजीओस के द्वारा मतलब ये कुछ केसेस लाए गए, तो इन्होंने बोला कि जो ये बहुत बुरी बात है, आप बेगिंग को पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते, इंडिया के अंदर बहुत सारे होमलेस लोग हैं जो सड़कों पर रहते हैं या जिनके पास कुछ भी नहीं होता करने के लिए, तो आप इसको बंद तो नहीं कर सकते, हमें इसका हल लेके आना है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो दिल्ली हाई कोर्ट है 2018 के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिक्रिमिनलाइज्ड बेगरी, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के अंदर जो है बेगरी क्राइम नहीं है, उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, ठीक है। तो ये एक सोशो इकोनॉमिक इशू है, अब ये केस अगर आप याद कर सकें तो आप कर लीजिएगा, इसका नाम था हर्षमंदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो जो हर्षमंदर थे इन्होंने केस किया कि बेगरी के इलाके बेगरी बैन कैसे हो सकता है, बेगरी जो है एक प्रॉब्लम है, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है, ये क्राइम नहीं है, ये बेसिकली एक सोशो इकोनॉमिक इशू है, तो हमें इसका हल निकालना चाहिए, बल्कि इसको हम बैन नहीं कर सकते, फिर जो गरीब लोग हैं वो क्या करेंगे, फिर तो क्राइम बढ़ता ही जाएगा, बैगिंग से अगर उनको फिर भी किसी तरह से पैसा आ रहा है, लेकिन अगर वो बैगरी करना ही बंद कर देंगे तो उनको पैसा आना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये बात की गई। उसके अलावा हम देखते हैं कि एक 2016 के अंदर एक बिल लाया गया था, पर्सन इन डेस्टिट्यूशन, ठीक है, प्रोटेक्शन केयर एंड रिहेबिलिटेशन मॉडल, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा एक बिल लाया गया था जिसमें बोला गया था कि हम इस तरीके से एक प्रॉपर जो है एक एक्ट लेके आएंगे बैगिंग के रिलेटेड, ठीक है। तो लेकिन ऐसे बोला जाता है कि आप जो है कैश ना दीजिए, जो फॉर एग्जांपल ये अवेयरनेस के लिए भी है कि जो हमारे आगे पीछे जो लोग होते हैं जो बैगिंग कर रहे होते हैं, आपसे कोई मांगने के लिए आता है, तो आप उसको इतना पैसा नहीं दीजिए, ठीक है, आप उसको आप उसको कैश नहीं दीजिए, आप मतलब आप किसी और तरीके से हेल्प कर लीजिए, आप खाना खिला दीजिए, कुछ कर लीजिए, लेकिन आप उनको कैश मत दीजिए, क्योंकि अगर आप उनको कैश दे रहे हैं तो पीछे एक रैकेट है जो काम कर रहा है, ठीक है, एक रैकेट है प्रॉपर, जो आप फिर ना उन बच्चों का जो है बच्चों की लेबर को बढ़ावा दे रहे हैं, आप बच्चों को फोर्स लेबर की तरफ लेके जा रहे हैं, आप क्राइम को बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए कहा गया कि आप कैश नहीं दीजिए, आप किसी और तरीके से इनकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बैगिंग में जो है सेक्शन 2 जो है ना, इसकी मैं आपको इसमें एक बार डेफिनेशंस करवा देती हूँ, आपको थोड़ा क्लियर होगा कि बैगिंग जो सेक्शन 2 और सेक्शन 4 है, ये डील बॉम्बे जो एक्ट था ना हमारा, ये बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बैगिंग एक्ट, सेक्शन 2 के मुताबिक इसमें बैगर्स कौन कौन से थे, बैगर्स थे जो आर्म्स लेते थे पब्लिक प्लेसेस में, पब्लिक प्लेसेस कोई भी टूरिस्ट प्लेसेस है वहाँ पे जाके खड़े हो गए, अगर वो पैसे मांग रहे हैं तो फिर वो सेक्शन 2 के अंदर बैगर्स होंगे, या फिर वो किसी प्राइवेट जगह पे अंदर फॉर एग्जांपल अपने घरों में आपके ना बिना परमिशन के आ गए, ठीक है, तो उस तरह से ये अब अपने वॉन्ड्स वगैरह दिखा के, डिजीज़ दिखा के जो पैसा मांगने की कोशिश करते हैं, या फिर इनके या कुछ ऐसे लोग जिनके पास कोई मतलब ऐसे घूम रहे होते हैं, ठीक है, जिनके पास कोई काम करने के लिए नहीं होता, तो उनको इन सबको जो है ये बेगर की डेफिनेशन में डाल दिया गया, प्रिवेंशन ऑफ बॉम्बे प्रिवेंशन एक्ट के मुताबिक इनको बेगर बोल दिया गया और बोला गया कि अगर ये सड़कों में दिखे भी तो इनको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन 4 जो है वो डील करती है अरेस्ट विदाउट वारंट, ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर बिल्कुल वारंट की ज़रूरत नहीं है, पुलिस चाहेगी तो उनको उठा के जेल में डाल देगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम हो रहा था। तो हम देखते हैं कि इंडिया में ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन मैंने आपको बताया कि विद टाइम इस प्रॉब्लम को डील करने का जो है धीरे धीरे जो है सॉल्यूशंस ढूंढेंगे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये
भिक्षा मुक्त भारत, ठीक है, भिक्षा मुक्त भारत जो है ये एक स्कीम लाई गई है, और भिक्षा ये स्लोगन जो है दिया जाता है, भिक्षा मुक्त भारत हो गया यानी बेगरी फ्री इंडिया, ठीक है, बेगरी फ्री इंडिया कहा जाता है इसको। और ये इसमें इसमें क्या होता है कि इसमें इंडिया को हमें कैसे बेगरी फ्री बनाना है उसका एक टारगेट रखा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा इसको जो है इसको चलाया जा रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि 30 सिटीज़ जो है सिग्निफिकेंस, इसमें काम कैसे होगा, देखिए जो 30 सिटीज़ हैं, 30 सिटीज़ कौन कौन सी हैं, जैसे हमारे पास अयोध्या आ गया, जैसे हमारे पास जहाँ पे मंदिर हैं, जैसे श्रीनगर है जहाँ पे टूरिज़्म अच्छा है, तो ऐसी सिटीज़ जो हैं जहाँ पे टूरिज़्म है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ज़्यादातर बेगरी कहाँ होती है, टूरिज़्म जगहों पर होती है, रिलीजियस जगहों पर होती है, ऐसी जगहों पर क्या होगा कि काम किया जाएगा। और 2026 तक जो है बेगिंग को फ्री करने की बात की गई। इन 30 सिटीज़ में जो है डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स लाई जाएंगी, इन बेगर जो होंगे इनको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स दिए जाएंगे, खाना प्रोवाइड किया जाएगा ताकि बेगिंग ना करें, ठीक है। पहले टारगेट जो है हम इन 30 सिटीज़ को रखते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम एक स्माइल, जो आपको ये स्माइल जो है याद रखना है, 2016 के अंदर ये स्कीम लाई की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, और हम ये ट्रांसजेंडर वाले में भी हम पढ़ते हैं, ये ट्रांसजेंडर्स को भी कवर करती थी स्माइल स्कीम जो थी। क्या थी कि सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल, किनको सपोर्ट करना है, मार्जिनलाइज इंडिविजुअल को फॉर लाइवलीहुड, उनको जीने के लिए और इंटरप्राइजेस के लिए। ये जो स्माइल स्कीम थी 2016 में लाई गई थी और ये बेगर्स के लिए लाई गई थी, आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है मैंने आपको बताया कि ट्रांसजेंडर को भी कवर करती थी, ठीक है, स्माइल स्कीम। तो स्माइल स्कीम के द्वारा क्या किया गया कि स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा इनका, इनको कोई ना कोई स्किल सिखाया जाएगा, ठीक है, जिससे ये भीख ना मांगे। उसके बाद इनको मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है पूरी तरह से फ्री प्रोवाइड की जाएंगी, डॉक्यूमेंटेशन जो है इनके लिए ईजी कर, डॉक्यूमेंटेशन यानी फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि जो बेगर्स हैं ये बिल्कुल पढ़े लिखे, ये ऐसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो किसी भी तरह से मेन स्ट्रीम में नहीं है, ये पढ़े लिखे भी नहीं होते, इनको कोई किसी भी तरह का नॉलेज नहीं होता, तो इनके लिए डॉक्यूमेंटेशन करना पहले तो इंपॉर्टेंट है ना, कि इनके अकाउंट्स बनाए जाएं, डॉक्यूमेंट पूरी तरह से बने, उसके बाद इनको कोई स्किल सिखाया जाए, तो डॉक्यूमेंटेशन करना इनके लिए ईजी कर दिया जाएगा। हाउसिंग शेल्टर्स, ठीक है, खाना और हाउसिंग शेल्टर्स इनको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि भिक्षा मुक्त भारत जो है बेगरी फ्री इंडिया एक ऐप और पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया है। इसका काम क्या होगा कि ये डाटा कलेक्ट करेगा, बेगिंग कहाँ पर है, किस तरह से है, कितनी है, इसको कम करने के लिए हम मेजर्स देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा जेएनके में मैं आपको बता देती हूँ कि जेएनके के अंदर प्रिवेंशन ऑफ बेगरी एक्ट आया था 1960 में, लेकिन बाद में जेएनके हाई कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया 2019 में, ठीक है। 1960 में हमने भी बोला था कि बेगरी जो है किसी तरह से बंद होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्राइम बहुत बढ़ रहा था, ठीक है, क्राइम बढ़ रहा था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि कोई बेगर है आपके घर के अंदर आ गया, तो वो घर के अंदर वो बेसिकली वो जो क्रिमिनल्स थे वो आते थे घर में, मुआयना करते थे, दे जस्ट नोटिस एवरीथिंग, और बाद में घर में चोरी बोरियां होती थी, ठीक है, छोटी सी एग्जांपल है। तो इस तरह से क्राइम बढ़ना लग गया, तो प्रिवेंशन ऑफ बेगरी एक्ट जो है वो 1960 में आता है, लेकिन बाद में इसको हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिए 2019 में, ठीक है। उस तरीके से आपका ये बेगरी का टॉपिक कंप्लीट होता है, और हमने बेगरी में जो इसमें आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए सेक्शन है 363A सेक्शन है। उसके अलावा आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है बॉम्बे एक्ट, ठीक है, जो बॉम्बे एक्ट है, जो बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगरी एक्ट है वो इंपॉर्टेंट है। उसके प्रिवेंशन ऑफ बेगरी एक्ट 1960 जो जेएनके में आया था आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आज का जो लास्ट टॉपिक है हम उससे कवर करते हैं, दैट इज करप्शन, ठीक है। करप्शन ये एक छोटा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, उसमें से क्वेश्चन जहाँ से आएगा मैंने कोशिश की है कि मैं उस टॉपिक को आपको होली कवर कर सकूँ, ताकि आप उसमें से क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं करप्शन क्या होता है। देखिए करप्शन जो हम लोकल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, ब्यूरोक्रेसी में ऑफिसर्स के द्वारा यूज़ की जाती है, या फिर पब्लिक जो सर्वेंट्स होते हैं कि करप्शन हो गया कि ये ब्राइब लेते हैं, पैसे लेते हैं अपने किसी काम को करने के लिए, तो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए करप्शन क्या होता है कि डिसऑनेस्ट बिहेवियर, पहले तो हो गया कि ऐसा बिहेवियर जो डिसऑनेस्ट होता है, आप अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको हम करप्शन कहते हैं। अब अपने पब्लिक ऑफिस का, फॉर एग्जाम्पल आप पब्लिक ऑफिस में आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप KS ऑफिसर हैं, आप IAS ऑफिसर हैं, आप उस ऑफिस का गलत यूज़ कर रहे हैं, आप अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी करप्शन कहलाएगा, ठीक है। तो बेसिकली करप्शन होता क्यों है, बोला जाता है कि करप्शन का होने का वजह है फेलियर ऑफ एथिक्स, ठीक है। फेलियर ऑफ एथिक्स यानी आपकी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, मॉरल वैल्यूज़ आपकी ख़त्म हो जाती हैं, तो आप ये गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाते हो। आप पब्लिक ऑफिसेस को जो है आप धीरे धीरे अपने प्राइवेट गेन्स के लिए यूज़ करने लग जाते हो, और उसके नुकसान किससे होता है, उससे लोगों का नुकसान होता है, जो गरीब लोग होते हैं उन तक जो है वो पैसा या वो चीज़ें वहाँ पर पहुँच नहीं पाती, तो फिर करप्शन जो है वो एक तरह का
क्राइम बन गया, ठीक है, एक ऑफेंस बन गया। क्यों? क्योंकि अगर आप अगर गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है तो आप गरीब लोगों तक पहुंचा नहीं रहे हो, तो उससे इकॉनमी स्लो डाउन हो जाएगी, उससे हमारी ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी, उससे जो है पॉवर्टी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो करप्शन जो है एक बहुत ही बड़ा जो है क्राइम है इंडिया के अंदर, और ये एक मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारा जो है जो हमारी स्कीम्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो लॉज बनाए जाते हैं, जो स्कीम, जो पैसा आता है, जो फंड्स आते हैं, वो गरीबों तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि करप्शन एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अब हम देखते हैं करप्शन के कुछ रीजंस क्या हैं, कॉजेज क्या हैं। देखिए, एक तो होता है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है कि अगर किसी, देखिए अब तो ऐसा नहीं रहा, अब जो भी काम होता है वो ऑनलाइन होता है, उसका डाटा आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर दिया जाता है, लेकिन एक टाइम तक पब्लिक ऑफिस में ट्रांसपेरेंसी इतनी नहीं होती थी जिससे वो जो है फंड्स को आराम से खा सकते थे या फिर कोई भी गलत काम कर लेते थे, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं होता, लेकिन ये लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की वजह से करप्शन जो है होती है। और दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट है वीक इंस्टीट्यूशंस, यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई करप्शन में इन्वॉल्व भी है तो उसको इतनी बड़ी सजा नहीं सुनाई दी जा रही है, ठीक है। तो इसमें वीक इंस्टीट्यूशंस भी जो है हमारे एक मेजर कॉजेज से करप्शन जो है बढ़ती जा रही है। लो सैलरी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अगर किसी पब्लिक ऑफिसर की सैलरी बहुत कम है, ठीक है, तो वो उसको अपना खर्चे जो है पूरे नहीं हो रहे, तो वो क्या करेगा, करप्शन करेगा, ओके। ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म, तो रेड टेपिज्म भी इसी को कहते हैं जब ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो है इलीगल मीन से पैसा कमाया जाता है, ठीक है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एक इंपॉर्टेंट और एक मेजर फैक्टर है करप्शन का। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यानी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या वीक पॉलिटिकल विल, जो मतलब आप देखेंगे कि कोई मिनिस्टर है या फिर कुछ इस तरह का जो कोई पार्टी वर्कर है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, वो किसी ऑफिसर को जो है या मुलाजिम को जो है वो फोर्स करेगा किसी पर्टिकुलर काम करने के लिए, तो उसको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक है, और वो ऑफिसर को डर के वो काम करना ही पड़ेगा, तो ये करप्शन ही कहलाता है। लैक ऑफ विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, ठीक है। विसल ब्लोअर कहते हैं, देखिए विसल ब्लोअर हो गया कि फॉर एग्जांपल आपसे किसी ऑफिसर ने रिश्वत मांगा है, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने उठकर जाके कोर्ट में गए या फिर आपने उसके सीनियर को बताया, कुछ भी किया, तो आप विसल ब्लोअर कहलाएंगे। विसल ब्लोअर आम लैंग्वेज में बोलते हैं सीटी बजाने वाला, यानी अगर कुछ गलत काम हो रहा है ऑफिस के अंदर तो आपने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन आवाज़ तो उठाई लेकिन आपको प्रोटेक्शन इतनी नहीं मिल रही, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब वो ऑफिसर इतना स्ट्रांग है कि वो आपको कल को जॉब से निकाल सकते हैं, आपको जान का भी खतरा हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जो है जो विसल ब्लोअर को इतनी प्रोटेक्शन नहीं दी जाती, अगर कोई आवाज़ उठाता भी है तो उसको इतनी प्रोटेक्शन नहीं दी जाती। हालांकि 2014 के अंदर हम देखते हैं कि एक्ट लाया गया जहाँ पे विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं मेजर्स जो हैं इसकी वजह से भी जो है रीज़न जो है करप्शन बढ़ती है। तो करप्शन जो है आपने मेजर रीज़न जो है जो हमने जो पॉवर्टी एक बहुत बड़ा रीज़न है करप्शन का, लोग करप्शन इसलिए करते हैं, गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो उसके बाद जुडिशियल सिस्टम हमारा वीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं रीज़न बन जाती हैं हमारे करप्शन करने का, ठीक है। और उसका इफेक्ट तो आप जानते हैं क्या होगा, इफेक्ट हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ पे पड़ता है, पॉवर्टी बढ़ जाती है, क्योंकि जो स्कीम्स आ रही हैं वो लोगों तक पहुँच ही नहीं रही, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ठीक है। उसके अलावा जो है जो इकोनॉमिक ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, जेंडर इनइक्वालिटी बढ़ रही है, ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी हमें देखने को मिल रही है। उसके अलावा सारी की सारी चीज़ें जो है क्राइसिस जो हैं बढ़ जाते हैं, तो ये करप्शन की वजह से ही होता है, ठीक है। आगे हम टाइप्स ऑफ करप्शन पढ़ेंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको इसमें से क्वेश्चन आए तो आपको ये ध्यान से करना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ करप्शन हम देखेंगे कि कितनी तरह की करप्शन है। पहले हम देखते हैं कि एक ब्राइबरी होती है। ब्राइबरी सिंपल टर्म्स में ब्राइबरी कहते हैं घूस को, ठीक है। ब्राइबरी को हम ग्रीस मनी भी कहते हैं, ठीक है। ब्राइबरी हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई काम कराना है, आपसे ऑफिसर बोल रहे हैं कि मेरे को 200 रुपया दो तो मैं काम करूँगा, ठीक है, तो उसको ब्राइबरी कहते हैं। एक्सटॉर्शन कहते हैं कि जब हम ब्राइबरी ऐसा पैसा ही मांग रहे होते हैं लेकिन वायलेंस का इस्तेमाल होता है, ठीक है, जहाँ पे वायलेंस का इस्तेमाल होगा उसको हम एक्सटॉर्शन कहते हैं। देखिए, एक होता है एम्बेजलमेंट होता है कि आप ना पब्लिक ऑफिस में हैं, फॉर एग्जांपल आप ऑफिसर हैं लेकिन आप वहाँ से रिसोर्सेज को चोरी कर रहे हैं, उसको हम एम्बेजलमेंट कहते हैं, ठीक है। आपके ऑफिस में कोई पैसा आ रहा है, कोई मतलब सामान आ रहा है, आपकी चेयर्स आ रही हैं, टेबल्स आ रही हैं, आप उठा के उसको अपने घर में लेके आ गए, तो उसको हम एम्बेजलमेंट कहते हैं, तो ये भी एक करप्शन की फॉर्म है। एक होता है फ्रॉड। फ्रॉड तो आप जानते हैं, मिसलीड करना, ठीक है, फ्रॉड करना, मिसलीड करना, ये सिंपल है। उसके बाद अब्यूज़ ऑफ पावर, यानी अपने पावर का गलत इस्तेमाल करना, डिस्क्रिमिनेशन करना, ठीक है, यानी जो बंदा फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास पावर है किसी इंसान को अपॉइंट करने की, तो आप जो है वहाँ पे जो काबिल है, जिसकी क्वालिफिकेशन, आप उसको अपॉइंट नहीं करेंगे, तो आप डिस्क्रिमिनेशन
एब्यूजेशन करेंगे यानी इम्प्रॉपर तरीके से बेनिफिट देना लोगों को, ये अब्यूज़ ऑफ पावर में आता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है क्या, आपका पर्सनल इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट के बीच में क्लैश आ जाता है। ठीक है, यानी आपका पर्सनल इंटरेस्ट है कि आप अपने भाई को वहाँ पर वो जॉब देना चाहते हैं, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट है कि किसी और बंदा जो ज़्यादा क्वालिफाइड है उसको लाना। लेकिन आपका पर्सनल इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट जब क्लैश में आता है और आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ज़्यादा जो है जो तरजीह देते हैं, तो उसको हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, फेवरेटिज्म तो कॉमन है, आप जानते हैं किसी एक एम्प्लॉय की तरफ फेवरेटिज्म करना, उससे जेलसी जो है क्रिएट होती है ऑफिस के अंदर, ऑफिस का माहौल ख़राब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज़ इन्फ्लुएंस पैडलिंग। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी इन्फ्लुएंस इन ट्रेडिंग। इन्फ्लुएंस पैडलिंग हो गया कि फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस के अंदर हैं और कुछ काम करवाना है ऑफिस को, तो आप वहाँ पे अपना पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व करेंगे, आप उस ट्रेडिंग को इन्फ्लुएंस करेंगे किसी ना किसी तरह से। ठीक है, अपना आप काम फॉर एग्जांपल अगर किसी गांव में काम हो रहा है तो आप उसको किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर को दे देंगे। ठीक है, तो आप अपने इस तरह का इस्तेमाल करके इसको इन्फ्लुएंस पैडलिंग कहा जाता है। तो ये टाइप्स ऑफ करप्शन है, ये जितनी भी तरह की करप्शन, सिर्फ पैसा लेना या पैसा देना नहीं होता, बल्कि लोगों को इन्फ्लुएंस करना यानी अपने पब्लिक ऑफिस का इस्तेमाल करना, यानी इन्फ्लुएंस पैडलिंग करना। ठीक है, उसके अलावा फ्रॉड करना, उसके अलावा अगर गवर्नमेंट के द्वारा कोई चीज़ दी गई है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर हैविंग ए कार विच इज़ प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट आल्सो, कोई गाड़ी दी गई है, अगर उसको भी आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कहते हैं तो वो भी करप्शन में आता है। ठीक है, तो करप्शन सिर्फ पैसों से इन्वॉल्व नहीं है, करप्शन हर उस अनइथिकल मीन्स का मतलब है जो नॉर्म्स को तोड़ता है, जो नॉर्म्स गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं उनके तोड़ने को, जब जब हम उन्हें तोड़ेंगे तो हम करप्शन में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो करप्शन इसको, अब देखिए करप्शन के अंदर जो है, हमें इंडिया के अंदर करप्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने आपको बताया कि एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया के अंदर, तो हम देखते हैं कि आगे हम करप्शन जो परसेप्शन इंडेक्स पढ़ेंगे उसमें इंडिया का अच्छा खासा रैंक है, यानी इंडिया जो है करप्शन जो है इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो देखी जाती है। जैसे इंडियन सिटीजन्स आप जानते हैं, स्विस बैंक आप जानते हैं, बहुत नाम में है, स्विस बैंक स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, तो यहाँ पे इंडिया का जो है लाखों करोड़ों जो है ब्लैक मनी जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिया के अंदर ये प्रॉब्लम है। अब उसको रोकने के लिए हम लोगों ने कुछ जो है लॉज लाए गए हैं। ठीक है, कुछ लॉज जो हैं लाए गए और उसको इन लॉज को इम्प्लीमेंट करना, और फिर ये तो ब्यूरोक्रेसी का ही काम है, तो अच्छे से हो नहीं पाते तब भी प्रॉब्लम बढ़ती है। लेकिन लॉज जो हैं बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, पहला लॉ है जो आपको इसमें पढ़ना है, दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। ठीक है, करप्शन को रोकने के लिए जो एक्ट बनाया गया दैट इज़ 1988। ठीक है, तो इसको 2018 में हमने अमेंड किया था, इसके अंदर जो है क्रिमिनलाइज किया था ब्राइब टेकिंग और ब्राइब गिविंग को भी, याद रखना आपने। 2018 में जो अमेंडमेंट हुई थी उसमें बोला गया था कि रिश्वत देना भी उतना बड़ा गुनाह है जितना रिश्वत देने वाले को भी किसी तरह से सजा सुनाई गई थी। ठीक है, तो 2018 में इसको अमेंड किया गया, आपने याद रखना 1988 के अंदर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आता है। उसके अलावा कौन कौन से एक्ट हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में आता है। मनी लॉन्ड्रिंग आप जानते हैं क्या करना, अपने ब्लैक मनी को वाइट करना। ठीक है, आप पैसा जो है बाहर भिजवा रहे हैं। ठीक है, आप किसी ना किसी तरीके से उसको वाइट करने की, ब्लैक मनी होता है जो आप गलत तरीकों से पैसा कमाते हो, तो आप उसको जब वाइट करने की कोशिश करते हो तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरीका कहते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग जो है ये पूरी तरह से बैन कर दी गई 2002 के अंदर। उसके अलावा कंपनीज एक्ट जो है 2013 में आता है, जिसमें करप्शन को बैन किया गया। आईपीसी के अंदर 1860 के अंदर बहुत सारे ऐसे एक्ट्स थे जो ब्रिटिशर्स ने, आप तो जब आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि ब्रिटिश जो कंपनी थी, तो जो ब्रिटिश ये कंपनी थी, तो इनके अंदर भी हमें देखने को मिलता है कि करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, करप्शन जो है एम्प्लॉयज़ के अंदर बढ़ गई थी। तो आईपीसी 1860 के अंदर ही जो है करप्शन रोकने के बहुत सारे मेजर्स दिए गए थे। ठीक है, करप्शन कोर्ट्स थी और इस तरीके से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें काम कर रही थी। ठीक है, उसके अलावा लोकपाल और लोक आयुक्त का एक्ट है 2013 का। देखिए, लोकपाल और लोक आयुक्त का मतलब क्या है कि कोई भी पब्लिक ऑफिस, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का क्यों ना हो, सेंटर के अंदर लोकपाल और स्टेट के अंदर लोक आयुक्त जो हैं ये अदालत बनी जाएंगी। 2013-14 के अंदर ये एक्ट लाया गया, और इसमें क्या था कि इसमें अगर कोई भी पब्लिक फंक्शनरी जो है करप्शन में इन्वॉल्व है तो उनको एक तरह का प्रॉपर एक सज़ा सुनाई जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है, ये आप सब जानते हैं, RTI 2005 में लाया गया था। तो इसके मुताबिक क्या है कि हम किसी भी पब्लिक ऑफिस में जाके हम इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है जनधन योजना। जनधन योजना ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात की गई ना, मतलब अगर फॉर एग्जांपल मेरे को पैसा आ रहा है तो मेरे को डायरेक्ट मेरे अकाउंट में आएगा, बीच में कोई ऑफिसर नहीं होगा। ये क्यों, क्योंकि पहले जो पैसे आते थे, पहले जैसे किसी को
स्कॉलरशिप आ रही है, कुछ आ रहा है, तो बीच में ऑफिसर्स को खा जाते थे। तो जनधन योजना के द्वारा गवर्नमेंट ने क्या किया कि डायरेक्ट जो पैसा होगा वो आपके अकाउंट्स में आएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से हम देखते हैं कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, सेंट्रल CVC कहते हैं ना, 1964 में ये बनती है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ठीक है। उस तरीके से हम देखते हैं कि CBI जो है ये इंडिया के अंदर काम कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन जो करप्शन के साथ, ठीक है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट एक्ट मैंने आपको बताया, दैट इज़ अ विसल ब्लोअर, ठीक है। विसल ब्लोअर हो गया कि विसल ब्लोअर होता है कि अगर कोई आदमी जो है करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है तो उसको प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए, ठीक है। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट आता है, ठीक है। तो ये 2014 के अंदर जो है ये आता है, ठीक है। इसमें जो जो पूरी तरह से जो है उसको, जो इंसान जो है आवाज़ उठाते हैं करप्शन के अगेंस्ट, उसको प्रोटेक्शन दी जाती है, ठीक है। उस तरह से कंपनीज एक्ट मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इस तरह से ये जितने भी एक्ट्स हैं ये लाए गए। उसके अलावा CBI, CVC, लोकपाल, लोक आयुक्त जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो बनाएगी ताकि हम पूरी तरह से करप्शन को रोक सकें, ठीक है। देखिए उसके अलावा जो है मैं आपको इंडिया के अंदर और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे आपको बताती हूँ कि जैसे कि भारत जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाएगी, जैसे भारत संभिमन, ठीक है, भारत संभिमन ट्रस्ट, ठीक है। ये भारत संभिमन ट्रस्ट जो है ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, रामदेव के द्वारा बनाई गई थी। ये ब्लैक मनी और करप्शन पे वो करता है, ठीक है। तो इस तरह से जागोरे, ठीक है, जागोरे ये भी आपको याद रखना है। जागोरे एक तरह का 1 बिलियन वोट्स एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो जागोरे जो ये भी जो है ये करप्शन के अगेंस्ट बनाई गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से एक और एसोसिएशन है, दैट इज़ एसोसिएशन फॉर सोशल ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, फॉर सोशल ट्रांसपेरेंसी राइट्स एंड एक्शन, ठीक है। ये भी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बनाई जाती है किसके लिए, करप्शन के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इनके नाम ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हो नहीं सकता, मतलब एक NGO है ये काम करती है कर्नाटका वगैरह में, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहीं से पूछे, लेकिन फिर भी आपको अगर ध्यान में ये रहेंगे तो आपका कहीं ना कहीं जो है एलिमिनेशन में आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इसमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज़ करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जो पूरी वर्ल्ड में कंट्रीज़ को जो है करप्शन के बेसिस पे ये निकाला जाता है। निकालता कौन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक NGO है, जर्मनी बेस्ड है। तो ये क्या करती है, ये करप्शन के बेसिस पे 180 कंट्रीज़ का डाटा निकालती है और फिर वहाँ पर बताती है किस कंट्री में कितना ज़्यादा करप्शन है। अगर 0 पे होगा तो वो हाईली करप्ट है और 1 होगा वेरी क्लीन, ठीक है। तो उस तरीके से आपको याद रखना है कि डेनमार्क का रैंक 1 है, फिनलैंड का रैंक 2 है और न्यूजीलैंड का रैंक 3 है, यानी ये यहाँ पे करप्शन है ही नहीं है, बहुत क्लीन कंट्रीज़ हैं। अब इंडिया की जहाँ तक हम बात करें तो इंडिया का जो रैंक है वो 93 है 2023 में, 93 यानी 180 कंट्रीज़ में हम 93 रैंक पे हैं और ये कुछ खास इंप्रेसिव नहीं है, ठीक है। तो ये एक और इसका जो स्कोर है ना, स्कोर आपको याद रखना है 39, ठीक है, मैंने आपको बताया 39 इसका स्कोर है। और हम देखते हैं कि 40 स्कोर 2022 में था और अभी हमारा स्कोर जो है 39 हो गया, तो हमारा जो रैंक है वो 93 है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स निकालता कौन है, दैट इज़ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालती है। और इंडिया का रैंक क्या है 2023 में, 93, ठीक है। फिर उसके अलावा आपको याद रखना है कि एंटी करप्शन डे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फॉर यू, एंटी करप्शन डे कब बनाया जाता है, December 9 इंटरनेशनल लेवल पे, और इसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो स्पॉन्सर करते हैं, वो ऑर्गेनाइज करता है। तो December 9 को, ठीक है, एंटी करप्शन डे कब बनाया जाता है, December 9 को, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो करप्शन में याद रखनी है, एक तो एंटी करप्शन डे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज 9 December, एक आपके लिए इंपॉर्टेंट है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालती है, और इंडिया का रैंक इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा तो ये सारा सब्जेक्टिव है, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, पर आपको ये एक्ट्स भी थोड़े से ध्यान में रखना कि लोकपाल लोक आयोग 2013 में आया है, मनी लॉन्ड्रिंग 2002 में आया है, उस तरीके से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1988 में आया है, ठीक है। बाकी तो आपको सुनकर ही याद हो जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं। तो चलिए इस तरह से आपका जो है ये मैंने Unit 4 भी आपका कंप्लीट हो गया है आज, ठीक है। Unit 4 हमने कंप्लीट कर लिया है, Unit 4 कंप्लीट, Unit 3, Unit 1 और Unit 2 जो है हमारे चारों यूनिट्स कंप्लीट हैं। आप यूट्यूब पे जाके लेक्चर्स देख सकते हैं। बहुत से बच्चे PDF मांगते हैं, देखिए PDF जो है वो हमारी ऐप पे ही अवेलेबल है, आपको ऐप
जो है सब्सक्राइब करनी पड़ेगी और आपको हमारे कोर्स में पीडीएफ जो है मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हमारा जो है यूनिट 5 बचा है और यूनिट 6 के कुछ टॉपिक्स बचे हैं जो हम आपको बहुत जल्दी अगले 10-15 दिन के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एमसीक्यू सीरीज लेके आएंगे और जीके का जो पोर्शन है बहुत से बच्चे उस पर क्वेश्चन करते हैं कि जो बाकी जनरल नॉलेज है जे एंड के वगैरह वो बहुत छोटा पोर्शन है उसमें, मतलब वो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। मेन प्रॉब्लम जो है वो स्पेशलाइजेशन की है और हमने जो है बहुत हद तक ये कंप्लीट कर भी लिया है, 60-70% ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अभी यूनिट 5 और यूनिट 6 के ही लेक्चर्स बच रहे हैं, वो हम लेके आएंगे अगले 10-15 डेज में, आपका वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप एमसीक्यू सीरीज लगा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।